हेलो फ्रेंड्स, कल हमने नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा था, इसमें से कुछ छूट गए थे तो हम उन्हें आज जल्दी से पढ़ लेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें पता है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1, 2, 3। नेक्स्ट है आपका होल नंबर, इंक्लूडिंग। अगर हम लोग नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दे, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, तो ये अप टू इन्फिनिटी, ये आपका होल नंबर में आता है। इवन ऑड, वैसे ये आपका इवन नंबर होता है, इवन नंबर। ऑल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। ऑड नंबर, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। मेन जो है हमारा वो है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर। सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2, इसके सिर्फ फैक्टर 1 और 2, यही फैक्टर है इसके, क्योंकि फैक्टर 1 और 2 ही है। अगर हम 3 देखें तो इसके फैक्टर क्या है, 1 एंड 3। अगर 5 देखते हैं तो 1 एंड 5। इसी तरह 7, 1 एंड 7। तो ये सब कितने हैं, ये सब आपके प्राइम नंबर है। एक बात याद रखना है कि 2 जो है वो आपका इवन प्राइम नंबर। 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सब आपके ऑड प्राइम नंबर है। और यहाँ 1 जो है आपका, 1 इसमें भी याद रखना है कि 1 जो है आपका ये नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो प्राइम नंबर के बाद नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर उन नंबर को बोलेंगे जो कि प्राइम नहीं होंगे। प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर होंगे वो आपके कॉम्पोजिट नंबर होंगे। ऑल नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर, ऑल नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर। 1 हमारा कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो कि 1 ही होता है, और कॉम्पोजिट नंबर के हमेशा 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर एक्चुअली ये एक रिलेशन है दो नंबर के बीच में। दो नंबर को हम लोग को प्राइम तभी कहेंगे जब उन दोनों के बीच का HCF जो कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, HCF आपका अगर 1 होता है, दो नंबर का अगर HCF 1 होगा तभी उन दो नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 एंड 7, इन दोनों में देखिए अगर हम लोग इसका फैक्टर लिखें 1 एंड 5, इसका अगर फैक्टर लिखते हैं तो ये है 1 और 7। 1 और 5 एंड 1 एंड 7, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपका है 1। तो 5 और 7 का HCF हम लोग क्या बोलेंगे, 5 और 7 का HCF 1। तो सिंस HCF आपका 1 आ रहा है इसलिए 5 और 7 दोनों को प्राइम नंबर है। यहाँ तक हमारा नंबर सिस्टम का जितने भी नंबर थे
हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें ये याद रखना है कि लेमा जो है, लेमा इसका मतलब, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। लेमा मतलब होता है अगर आपके पास एक प्रूवन स्टेटमेंट है, आपके पास एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है कि जो कि ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, और इस स्टेटमेंट का हेल्प से अगर आप दूसरे किसी स्टेटमेंट को प्रूव्ड करते हो, दूसरे किसी स्टेटमेंट को प्रूव्ड करते हो, तो हम इसे लेमा कहेंगे। एक हमारे पास ऑलरेडी एक स्टेटमेंट है जो कि प्रूव्ड है, और इसी स्टेटमेंट, प्रूव्ड स्टेटमेंट की हेल्प से अगर दूसरे हम किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं तो उसे हम लेमा कहेंगे। और लेमा और एल्गोरिथम में डिफरेंस है। एल्गोरिथम, इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगर हम लोग लिखते हैं तो ये गलत होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं लिखना है हमें, एल्गोरिथम हमें नहीं लिखना है, जबकि क्योंकि एल्गोरिथम वर्ड का मीनिंग होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। किसी चीज का स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसे हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं, जबकि लेमा एक सेल्फ डिफाइंड प्रूव्ड स्टेटमेंट है, और इसी प्रूव्ड स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। मान लीजिए आपके पास दो इंटीजर्स है, टू इंटीजर्स ए एंड बी। अगर आप इस स्टेटमेंट में ए और बी आपका दो इंटीजर है, अगर इसमें एक यूनिक इंटीजर्स, मान लीजिए कोई भी एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक इंटीजर आपका, एक यूनिक इंटीजर अगर आपका एग्जिस्ट करता है, यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए दो यूनिक इंटीजर Q एंड R है, और इन A और B और Q और R के बीच में इस तरह का कुछ रिलेशन है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम इस स्टेटमेंट, यही हमारा जो स्टेटमेंट है यह है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जहां पर ए आपका क्या है, ए आपका डिविडेंड है, डिविडेंड। बी क्या है, बी आपका कोई भी इंटीजर है, और ये इंटीजर डिवाइजर बोलते हैं इसमें, डिवाइजर। क्यू आपका कोशेंट है, और आर यहां आपका रिमाइंडर है, ये आपका रिमाइंडर है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यही बोलता है कि अगर हम लोग के पास दो इंटीजर्स हो, ए और बी, सच दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, देन द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड क्यू एंड आर इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको एक एग्जांपल का हेल्प से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपका ए इज इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 3 है, तो आप क्या लिख सकते हो कि 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, और ये कहाँ से आया है, ये तो हम इस तरह से निकालते हैं, इस
इसे इस तरह से डिवाइड करते हैं, 3 1 3 2, तो इसे इस तरह से लिखते हैं ना, डिवाइजर इक्वल डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेन प्लस रिमाइंडर, यहीं से ये टर्म आया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू।